बिहार में सरकार तब तक सुचारू रूप से चल रही है जब तक कि जीतन राम मांझी, जो कि एक छोटी पर बड़ी अहम कड़ी हैं, वो सरकार का हिस्सा बने रहे। जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर के कई तरह की बातें चर्चा में थी। इन सब बातों को लेकर के कल, आपको जैसा कि जानते हैं कि विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। लेकिन इन तैयारियों के पहले कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि सरकार और विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी अपनी तैयारियां कुछ अलग ढंग से कर रहा है और इस सत्र के हंगामेदार होने की पूरी पूरी संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं। आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया कि नीतीश कुमार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं और अपने विधायकों के साथ साथ अपने जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों को दोनों ही मोर्चे पर अलर्ट कर रहे हैं। पहला मोर्चा ये है कि सदन के अंदर किस तरह से उन्हें अपनी बातों को रखना है और सामंजस्य बिठा करके रखना है। वहीं दूसरी तरफ यदि सदन के अंदर में किसी तरह की कोई बात होती है तो किसी को भी नहीं छोड़ने की बात कही जा रही है। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से अब जदयू, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य जो सत्ता में उसके सहयोगी दल हैं, उनके तरफ से भी आए गए बयानों का जम कर खुल करके जवाब देने की बात कही जा रही है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से तल्खियां बढ़ी हैं बयानों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में। इस बीच में हमने और भी कई खबरें देखी हैं। हमने देखा है कि दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम की बैठक हो रही थी, जो बिहार से जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग लौटे हैं और लौट करके सीधी तौर पर बात सरकार की तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनका जवाब इसी तरह से दिया जा रहा है। इस बीच में हमने आपको खबरों के माध्यम से यह भी बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने एक हाई लेवल की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग शाम में होनी है और इतना ही नहीं, इन दोनों ही दलों के बैठक के बाद अब जीतन राम मांझी के तरफ से भी बयान आ गया है कि वो भी एक हाई लेवल की बैठक आज शाम 8 बजे करने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारियां जबरदस्त हो रही हैं। हालांकि सत्र छोटा है, लेकिन इसके बाद बहुत तरह की बातें सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, कोरोना काल के बाद, जब सदन में जुटेंगे माननीय तो क्या करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सभी के मुंह जो हैं वो खुजला रहे हैं कि अपनी बातें जल्दी से जल्दी रखें और बिहार की जनता तक पहुँचाएँ। आप जानते हैं कि इस बीच में नीतीश कुमार के कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे सूचनाएं आई हैं जिसको लेकर के अब सभी माननीय अपने घरों में कैद थे। इन सब बातों को लेकर के इस बार के विधानसभा में और भी कई मुद्दे हैं, जनसंख्या है, जनगणना है, ये सब मुद्दे भी सामने निकले हैं, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ती नज़र आ रही है। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और विपक्ष, जो कि मुख्य दल है, RJD, कांग्रेस, ये सारे भी उसके साथ जुड़ गए हैं। इन सारी बातों के बीच में आपको बता दें कि एक बात तय नज़र आ रही है कि जिस तरह से हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया है कि आज शाम 8 बजे जीतन राम मांझी के आवाज़ पर बैठक होगी और इस इमरजेंसी और महत्वपूर्ण बैठक में मानसून सत्र के अलावे और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या स्टैंड लेना है और आगे किस तरह से चलेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं छोटी बड़ी हर खबर पर। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।